अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है माश की दाल ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनेगी। आपने ये माश की दाल मैंने लिया है, आधा किलो माश की दाल लिया है मैंने, छिलकों के बगैर धुली हुई, और मैंने इसको 1-1.5 घंटे से भगो कर रखा हुआ है। उसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए, जिंजर पेस्ट हमें 2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा टमाटर चाहिए, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे, उनको स्लाइस कट कर लिया है। और इसके साथ ही हमें गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और अदरक चाहिए। स्पाइस में हमें 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 से 4 अदद साबुत गोल वाली मिर्चें, इसके अलावा भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, भुना हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, पीसी काली मिर्चें और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये तमाम स्पाइस मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा 1/2 कप ऑयल लेंगे हम। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनेगी रेसिपी, आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। तो इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, प्याज के इस्तेमाल से दाल में मसाला जो है ग्रेवी वो मीठी मीठी सी हो जाती है। तो इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया और इसके साथ ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको हम मीडियम से फ्लेम पर लाइट कलर दे देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटरों को हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे इसमें, और जब टमाटर नरम कर देंगे हम इसका अच्छे से मसाला भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें नमक 2 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, और इसके साथ ही हम साबुत गोल वाली मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की माश की दाल रेडी होगी। आपने ज़रूर इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। मैंने मसाले को 10 से 15 मिनट के लिए भून लिया अच्छे से। टमाटर नरम पक गए हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया है। ये मसाला भुना गया है तो अब मैं इसमें माश की दाल ऐड कर दूँगी। मैं ये प्रेशर में बना रही हूँ तो मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूँगी इसको सीटी। ये बहुत ही मज़े की माश की दाल बनेगी। आपने ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है प्लीज़। ये देखेंगे मैंने इसमें पानी डाल दिया 1 कप और अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। गाइस ये देखें मेरी माश की दाल रेडी है। मैंने ये बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनाई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेगा और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिएगा। ये आपने इसी तरीके से ट्राई करना है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो गाइस ये देखें ये माश दाल रेडी है और इसके ऊपर मैंने जो आपको लास्ट एंड के मसाले बताए थे, सूखा धनिया भुना हुआ, ज़ीरा भुना हुआ, काली मिर्च और गरम मसाला, ये मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है लास्ट एंड में, और साथ ही हम इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्ची डाल देंगे। सो प्लीज़ आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।